आपके लैपटॉप में सड़न है? हाँ। क्या आपके लैपटॉप में लुबंटू है? लैपटॉप में लुबंटू? हाँ, लैपटॉप में लुबंटू डालने से नहीं वो चले एकदम फास्ट एंड फास्ट, बल्कि वो एकदम दौड़ेगा। हेलो, वेलकम एंड कोनिचिवा, मैं हूँ पार्थ एंड आप देख रहे हैं गेमिंग चोकर। वेलकम गाइस, कैन यू बिलीव व्हाट यू आर वाचिंग इन योर स्क्रीन इज एन 11 इयर्स ओल्ड लैपटॉप। यस गाइस, ये 11 साल पुराना लैपटॉप है जो लुबंटू पे चल रहा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुबंटू के बारे में एंड हाउ यू कैन रिवाइव योर ओल्ड पीसीज एंड लैपटॉप्स विद द हेल्प ऑफ लुबंटू। ट्रस्ट मी गाइस, विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ अपडेट्स इन विंडोज, हमारा लैपटॉप बूढ़ा होता जाता है और होता ही जाता है, और वो ऐसा चलने लगता है इन द एंड कि आप उसमें सच्ची की गुदाई पेल दें। इट्स टाइम टू स्वैप टू लुबंटू। व्हाट इज लुबंटू? लुबंटू इज लाइटर देन युबंटू एंड आप उसे यूएसबी स्टिक पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो वो इतना लाइट है एंड बेस्ट ऑफ ऑल इट्स फ्री, तो जा क्या रहा है। वैसे भी इंडिया के लोगों के पास टाइम वेस्ट की कमी तो है नहीं, जब ढिंचक पूजा फेमस कराई थी तुम लोगों ने। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस, हम रोज रात को 10 बजे लाइव जाते हैं और मजे लेने के लिए सब्सक्राइब करें और देखें कि एक नूब कैसे खेलता है। सब्सक्राइब, हिट दैट सब्सक्राइब बटन गाइस, इट विल अप्रिशिएट मी। बहुत बातचीत हो गई, अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। तो लुबंटू इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको तीन चीज़ों की जरूरत है। पहला है एक बूढ़ा लैपटॉप, दूसरी है एक यूएसबी, और तीसरा एक वर्किंग विंडोज मैक पीसी, कुछ भी चलेगा, इट्स वर्किंग, बस चलना चाहिए। उसमें यूएसबी स्टिक का छेद होना चाहिए। देन यू विल नीड अ रूफस टूल एंड लुबंटू आईएसओ फाइल व्हिच आई हैव लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वंस यू आर एट द साइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करिए, वहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड लुबंटू नाउ का ऑप्शन। डाउनलोड 64 bit इफ यू हैव 64 bit, डाउनलोड 86 इफ यू हैव 32 bits, सेव करिए और साथ ही रूफस टूल को भी सेव कर लीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आफ्टर यू हैव बोथ, रूफस टूल को खोलिए एंड सिलेक्ट कीजिए अपने प्रोजेक्ट को। सिलेक्ट में उसमें सिलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्टेड रखना है, आईएसओ में जाके आईएसओ को सिलेक्ट करके रखना है एंड जैसे ही आप सिलेक्ट बटन पर दोबारा क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखाएगा अपनी आईएसओ फाइल चूज करने का, उसे आप प्रोजेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपने लुबंटू की आईएसओ फाइल डाउनलोड करी हुई है। देन क्लिक स्टार्ट बटन, रेडी वो शो करेगा आपको, जैसे ही आप स्टार्ट दबाएंगे वो ऑप्शन देगा कि आपकी जो यूएसबी ड्राइव वो वाइप आउट हो जाएगी। क्लिक ओके, ओके सब कुछ ओके कर देना, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा वादा है आपसे कुछ नहीं जाएगा। बाय द वे गाइस, रूफस टूल की फाइल मैंने शो नहीं करी कैसे डाउनलोड करना है, उसका मैं लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगा। ये मैंने 2000% फास्ट कर रखा है ताकि आप लोगों को इजी रहे, वरना बोर हो जाएंगे। और इसी टाइम में आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मुझे फेमस कर दें। जैसे ही ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी आप अपनी पेन ड्राइव को बाहर निकाल लीजिए अपने पोच से, रेडी वो शो कर देगा, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस टूल को क्लोज कर सकते हैं, इसके बाद अपनी फाइल को पुल आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन अपने कंप्यूटर को जिसमें आप डालना चाहते हैं उसको रीस्टार्ट करिए, रीस्टार्ट और स्टार्ट करिए जो भी आपको कंफर्टेबल हो। देन अपने बूट मेन्यू में जाइए, सिलेक्ट करिए कौन सा आपका बूट ऑप्शन है, लाइक फॉर मी इट्स माई किंगस्टन 2.0 यूएसबी हार्ड डिस्क। देन इंग्लिश को सिलेक्ट करिए, स्टार्ट लुबंटू, ये आपकी यूएसबी स्टिक से ही स्टार्ट होगा, एज आई मेंशन अर्लियर बिफोर वो आपकी यूएसबी स्टिक से स्टार्ट होगा, तो आप चेक कर सकते हैं इसका प्रोसेस वगैरह कैसा है, ये कैसा दिखता है, आप इसे पहले इंजॉय कर सकते हैं और इसको, देन ओनली क्लिक इंस्टॉल, वो भी मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। यू सी वी आर बूटेड इनटू ओएस डायरेक्टली इन दैट लैपटॉप ओनली। अब मैंने क्लिक करा है इंस्टॉल बटन पे, वहीं पे आपको साइड में ऑप्शन दिखा सेकेंड ऑप्शन है वो, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, वो प्रोसेस फास्ट फॉरवर्डेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए, अपनी लोकेशन को इंडिया पे क्लिक करना है गाइस, यू हैव टू क्लिक इंडिया, ये आपको ऑप्शन में शो नहीं करेगा एशिया वगैरह में, आपको क्लिक करना है इंडिया पे, ठीक है। आप क्लिक करिए इंडिया पे, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन शो करेगा कि कौन सा कीबोर्ड आपको चाहिए, पहले इंडियन हिंदी भाषा शो करेगा आपको, ऑफकोर्स हमें वो नहीं चाहिए, आप इंग्लिश यूज़ करिए, यूके और यूएस वॉट एवर यू वॉन्ट। देन मैंने इसमें यूके चूज़ करिए, बट ये मेरी गलती थी, प्लीज़ चूज़ यूएस, ठीक है।
देन उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन रिप्लेस द पार्टीशन, वो आपके विंडोज को हटा के, विंडोज पार्टीशन को हटा के उसकी जगह यूबंटू कर देगा। आई विल प्रेफर दिस ओनली बिकॉज बाकी ऑप्शन में आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको करना है तो आप अपनी डिस्क को अरेज करके, क्योंकि अगर आपको कोई डाटा नहीं चाहिए उसका बैकअप कर सकते हैं, तो उसका बैकअप करके अपनी डिस्क को अरेज करके फिर इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। आइदर वे मैं आपको प्रेफर करूंगा अपनी विंडोज हटाइए और उसकी जगह पार्टीशन में डाल दीजिए, उससे आपके सिर्फ डाउनलोड्स वाइप होंगे, बाकी कुछ वाइप नहीं होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यार यहाँ पे आउट ऑफ फोकस था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट जैसे ही आपको शो कर देगा कि आपने रिप्लेस हो पार्टीशन, उसे ग्रीन सेलेक्ट कर देगा, अपनी पार्टीशन को सिलेक्ट कर दीजिए, नेक्स्ट बस अपने यूजर नेम आईडी फिल कर दीजिए जो भी आपको चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इस प्रोसेस को, ठीक है। और एज यूजुअल जैसे ये मेरा ऑफकोर्स ये मेरा गेमिंग नेम है, गेमिंग टैग भी है तो गेमिंग जो कुछ पीसी, ठीक है। जैसे ही आपका पासवर्ड फीड इन हो जाए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। समरी, अच्छा इट्स टोटली योर चॉइस कि आप पासवर्ड रखना चाहते हैं या नहीं, वो बिना उसके भी चल जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पासवर्ड डालने ही डालने का। देन आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, इट विल टेक सम टाइम और वो इंस्टॉल हो जाएगा। डन, और इसको इस प्रोसेस को भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ऑफकोर्स आपको वीडियो पूरी देखने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस बहुत लंबा है और बहुत टाइम लेगा, ऑफकोर्स ये बात है क्योंकि पुराना पीसी है यार, शिट, लेकिन ओल्ड पीसी को ये गोल्ड बना के छोड़ेगा, बिलीव मी गाइस। जैसे ही रीस्टार्ट होगा चेक, यहाँ पे बूट हो गया है, मैंने अपना पासवर्ड फीड इन कर दिया है, ठीक है। अब हम बूट करेंगे पीसी के अंदर डायरेक्टली, मैं पीसी से रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा दिखता कितना प्यारा है पीसी, ठीक है। नाउ ट्रांजिशन, यू सी अब हम आ गए हैं यूबंटू के अंदर, ये इन गेम रिकॉर्ड हुआ हुआ है, इसका ऐप स्टोर से मैंने कोई रिकॉर्ड डाउनलोड किया था, मुझे इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं लिनक्स चलाना जानता हूँ, बट यूबंटू से मैं थोड़ा अनवेरी हूँ बिकॉज इसके पैकेजेस थोड़े से कम हैं। बट यूबंटू इतना फास्ट है गाइस, इतना फास्ट है कि मैं खुद ही बिलीव नहीं कर पा रहा कितनी जल्दी ये रिस्पॉन्स कर रहा था मेरे 11 साल पुराने लैपटॉप को। जैसे एक क्लिक में इसने मोज़िला फायरफॉक्स खोल दिया, वॉट एवर आई एम टाइपिंग इन गूगल ए, जैसे गूगल ए और गूगल खुल गया हमारा, अब गूगल पे आप जो मर्जी टाइप कीजिए फट सट सब कुछ करेगा। स्पीड टेस्ट में आपको दिखा देता हूँ, ऑल दो ये बहुत पुराना लैपटॉप है तो इसमें जो वाईफाई का बैंड है वो 80.10 है, 802.10 तो बहुत स्लो चलेगा, बट स्टिल ये 30-40 Mbps की स्पीड खींच रहा है गाइस 11 साल पुराने लैपटॉप में, दैट नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ब्रिलियंट थिंग। तो प्लीज़ माइंड इज, ये 11 साल पुराना लैपटॉप है, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी स्पीड्स आप देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा कि 11 साल पुराने लैपटॉप में देख रहे हैं आप। एंड व्हाट आई बिलीव इज आपको इस ओएस को ट्राई जरूर करना चाहिए, आप बिना किसी झिझक के इसको ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ये फ्री है। अगर आपके लैपटॉप में कोई ज़रूरी डाटा नहीं है पुराने, इसको एक बार ट्राई करिए, आपके लैपटॉप को रिवाइव करेगा। एंड इसी के साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन गाइस, मुझे फेमस करा दो, और रोज़ रात को 10 बजे हम स्ट्रीम करते ही करते हैं, तो आइए हमारी स्ट्रीम में और मजे लीजिए मेरी नूबनेस की। गुड बाय, टाटा, अलविदा, सायोनारा।